को पत्ता गोभी लगने वाला है, शिमला मिर्ची लगने वाली है, थोड़ा सा गाजर, थोड़े से बीन्स, उसको हम लोग कट कर लेते हैं स्लाइटली एंड फिर आपको मिलते हैं। सो ये मेरा बीन्स भी कट चुका है, आप लोग देख सकते हो गाइस, हम लोग का वेजिटेबल कट के रेडी है। ये मैंने फाइनली चॉप कैरेट किया है, शिमला मिर्ची, बीन्स, ग्रीन चिल्ली और ये थोड़ा सा पत्ता गोभी नॉर्मल काट लिया और ये हमारा 3 पैकेट मैगी। तो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, आप प्रोसेस फॉलो कीजिए। मैंने पैन चढ़ा लिया हुआ है और वी आर रेडी टू मेक द फूड। हम लोग अभी ऐड करेंगे हम लोगों का, पहले तो हम लोग फ्लेम ऑन करेंगे। तो ये जो मैगी है मैं चाइनीज टाइप का बना रहा हूँ, तो हम लोग थोड़ा तेल ऐड करेंगे, ये अप्रॉक्स 1 टीस्पून आप लोग बोल सकते हो। लहसुन लिया है और गार्लिक लिया है, अभी हम लोग इसको ऐड करेंगे। हम लोग ने अनियन भी ऐड कर लेना है थोड़ा सा ही, उसके बाद हम लोग अपने सारे वेजिटेबल्स ऐड करेंगे लाइक कैरेट, शिमला मिर्ची, बीन्स, मिर्ची एंड सारे वेजिटेबल्स हम लोग को अच्छे से ऑयल में सॉटे कर लेंगे। इसका प्रोसेस लो फ्लेम पे ही रहेगा, नहीं हम लोग फ्लेम हाई कर लेंगे जिससे वेजिटेबल्स जो हैं अच्छे से पक जाएं। तो आप लोग देख रहे होंगे वेजिटेबल्स बहुत ही अच्छी अच्छी दिख रही हैं, एकदम खिली खिली लग रही हैं। मैं लाइट भी ऑन कर लिया, वेजिटेबल्स अच्छे से पक जाए। अभी हम लोग ऐड करेंगे इसमें थोड़े सॉसेस, हम लोगों की वेजिटेबल्स जो हैं वो सॉटे हो चुके हैं, तो इस टाइम पे हम लोगों का सॉसेस ऐड करना है। तो हम लोग सबसे पहले सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टी स्पून हम लोग को डालना है। हम लोग थोड़ा सा रेड चिल्ली सॉस डालेंगे और थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली सॉस डालेंगे, आई मीन तीनों की क्वांटिटी 1 टी स्पून ही रहेगी। और इसमें हम लोग एक मैगी मसाला ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको सॉटे कर लेंगे। नमक ऑलरेडी मैंने ऐड कर दिया, और हम लोग 1/2 टीस्पून टमाटो सॉस भी ऐड करेंगे और 1/4 टेबल स्पून हम लोग विनीगर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम लोगों को सेजवान ऐड करना है। सारे सॉसेस को हम लोग को 2 मिनट सॉटे करना है, उसके बाद हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने का हम लोग का प्रोसेस आप लोग को देखिए, तो इसमें 200 ml हम लोग पानी ऐड कर रहे हैं। और फ्लेम हम लोग को हाई करना है एकदम, ये सेजवान चाइनीज मैगी बनी है एकदम। हम लोग ने 200 ml इसमें ऐड कर दिया था, इसके बाद हम लोग 2 मैगी मसाला और ऐड करेंगे और इसको जब तक उबाल ना आ जाए तब हम लोग को ऐसे इसको पकाना है। हम लोग के मैगी के मसाले में उबाल आ चुका है, अभी हम लोग सिंपली गैस का फ्लेम स्लो करेंगे और मैगी क्रश करके
हैक कर लेंगे। ये मैंने 3 मैगी ऐड किया, 200 ml वाटर और 1 teaspoon सारे सेजवान सॉसेस, इसको स्लोली स्लोली मिक्स करूँगा और ये मैगी एकदम चीज़ी चाइनीज टाइप का बनेगा। तो इसको हम लोग 2 मिनट चलाएंगे, फिर आपको ऊपर दिखाता हूँ। इसमें उबाल आ गया है, उबाल आने के बाद हम लोग अभी इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। गाइस मैगी हम लोग ने 2 मिनट के लिए उबाल लिया है, आप लोग देख रहे हो एकदम चीज़ी टाइप का मैगी रेडी हो चुका है। अभी हम लोग इसको सर्व करेंगे और आप लोग सेम एज इट इज बना सकते हो। आपको मैं प्लेटिंग का अच्छे से दिखाता हूँ, किसी चाइनीज डिश से कम नहीं लगेगा आपको। इसकी जो फ्लेमिंग आ रही है एकदम चाइनीज जैसी आ रही है, ठीक है। इसका मैं और अच्छा लुक देता हूँ आपको, अच्छे से क्लोजर देखो, बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है। गाइज आप लोग के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय।